हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संधि देखिए फ्रेंड्स, संधि संधि जो है, संधि का अर्थ जो होता है जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ना। संधि शब्द जो है सम प्लस दी, इसका जो संधि शब्द है सम प्लस दी, संधि। संधि का मतलब होता है जुड़ना। अब संधि की डेफिनेशन देखा जाए तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, संधि हमेशा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, संधि जो होती है वो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मिलने से होती है। संधि हमेशा फ्रेंड्स प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि होगी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। संधि का अर्थ दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और संधि जो है फ्रेंड्स ये हमेशा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में मिलती है हमें, और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि में मिलती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, नाउ प्लस अंकुर, नाउ प्लस अंकुर। ये देखिए फर्स्ट शब्द के अंतिम शब्द में और दूसरे के प्रथम में अंकुर, तो इसका क्या बन जाएगा? नवांकुर। ठीक है, संधि में वर्ण परिवर्तन अवश्य होता है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, संधि के अंदर जो होता है वर्ण परिवर्तन जरूर होता है। संधि के अंदर अगर दो शब्दों को जब हम मिलाते हैं, संधि के अंदर जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, दो शब्दों को मिलाएं और कोई परिवर्तन ना हो, और कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वहां संधि नहीं होती, वहां हमेशा समास होता है। जैसे प्रति प्लस हार, तो इसका संधि प्रति प्लस हार, तो इसका पूरा शब्द जो है क्या बनेगा? प्रति हार। रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई घर। तो देखिए इन दोनों में फ्रेंड्स, देखिए वर्ण दोनों शब्दों को जब मिलाते हैं प्रति प्लस हार, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी शब्द प्रतिहार तो प्रतिहार ही रह रहा है, रसोई प्लस घर तो रसोई घर ही रह रहा है। तो अगर ऐसा कुछ मिले हमें तो वो संधि नहीं, वो समास होता है। संधि के जो होते हैं फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद जो होते हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होता है कि स्वर, दोनों साइड स्वर ही स्वर होते हैं, दोनों साइड स्वर ही स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है? व्यंजन प्लस स्वर, यानी कि फर्स्ट व्यंजन होगा और नेक्स्ट जो है स्वर होगा, या फिर पहले स्वर आ जाएगा फिर व्यंजन, यानी कि एक स्वर और एक व्यंजन होगा। थर्ड देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के अंदर विसर्ग प्लस स्वर होगा,
या फिर विसर्ग प्लस व्यंजनों का, विसर्ग प्लस व्यंजन। एक बार हम फिर से देखेंगे, संधि के तीन भेद होते हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर दोनों साइड ही स्वर होते हैं, स्वर प्लस स्वर, ठीक है, स्वर प्लस स्वर, तो स्वर संधि होगी यानी कि दोनों साइड ही स्वर होंगे। और सेकंड होगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंदर होता है एक व्यंजन और दूसरा स्वर, व्यंजन प्लस स्वर होगा या फिर पहले स्वर होगा और दूसरी साइड व्यंजनों का। नेक्स्ट होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग प्लस स्वर यानी कि विसर्ग पहले आ जाएगा फिर कोई स्वर शब्द होगा फिर, या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ही होंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर जो होता है वो प्रथम शब्द जो होता है, प्रथम शब्द, प्रथम प्रथम शब्द का जो अंतिम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम शब्द जो होता है वो भी स्वर होता है, और दूसरे शब्द का पहला भी, दूसरे शब्द का जो पहला होता है वो भी स्वर होता है, यानी कि दोनों साइड स्वर ही स्वर होते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम भी स्वर होता है और दूसरे का पहला जो होता है, दूसरे का पहला जो होता है वो भी स्वर होता है, यानी कि दोनों साइड स्वर स्वर होंगे तो हमें स्वर संधि मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कवि प्लस ईश, कवि प्लस ईश, कवि ई, ई और ई, दोनों साइड जो है स्वर बन रहे हैं, यानी कि इधर बड़ी ई आ रही है इधर छोटी ई आ रही है, दोनों साइड स्वर है ई ई, दोनों साइड अगर हमें स्वर मिलता है तो वहां पे स्वर संधि होगी, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल देखेंगे, अधीन, अधीन में देखेंगे, अधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, अधि प्लस ईन। अब देखिए अधि ई ई आ रहा है, इस साइड भी ई आ रहा है, तो दोनों साइड हमें स्वर मिल रहे हैं ई ई, तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। फर्स्ट देखेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। देखिए फ्रेंड्स इनका हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, पूरा वीडियो जो है स्वर संधि के ऊपर जो हम बाद में देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के अंदर जिस शब्द में आ ई उ मात्रा हो वह दीर्घ होती है, दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा, जिस शब्द में आ ई उ हो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। और गुण संधि जो होती है जिस शब्द में ए ए मात्रा वाली, जैसे कि छोटी मात्रा वाले ए या फिर ओ, और ऊपर र हो, ऊपर र हो वहां गुण संधि होती है। नेक्स्ट है यण, यण के अंदर य और वै से पहले आधा अक्षर होता है, य और वै से पहले जो है हमें आधा अक्षर मिलता है यण संधि के अंदर, यण य और य से पहले, यण के अंदर य से पहले हमें, य और वै से पहले हमें आधा अक्षर मिलता है, और त्रय वाले शब्द जो होते हैं वो भी हमें यण संधि के अंदर ही मिलते हैं, त्रय वाले शब्द भी। वृद्धि संधि, नेक्स्ट है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यानी कि इसके अंदर मात्राओं की वृद्धि हो जाती, गुण के अंदर जैसे ये एक मात्रा थी इसके अंदर दो मात्रा आ जाएगी, बड़ी मात्रा वाले।
ठीक है, बड़ा ओम, वहां हमें दीर्घ मिलती है, वृद्धि यानी कि मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है अयादि, शब्द में ये ध्वनिया हो वहां अयादि संधि होती है। अयादि अय अय आए आव आव, जहां में आए आए आव आव ये तीनों जो है ध्वनियां मिली वहां अयादि संधि होती है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह की स्टडी से रिलेटेड नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।